अच्छा इन अ क्लास ऑफ हंड्रेड स्टूडेंट्स ठीक है देर आर टोटल स्टूडेंट्स हंड्रेड इन द क्लास द एवरेज वेट ऑफ एवरेज वेट इज थर्टी तो देखो एवरेज एवरेज ऑफ हंड्रेड स्टूडेंट्स एवरेज ऑफ हंड्रेड एवरेज ऑफ वेट वेट नहीं लिख रहा मैं ठीक है एवरेज ऑफ हंड्रेड स्टूडेंट्स कितना दिया है आपको थर्टी के जी दिया है एवरेज ऑफ हंड्रेड स्टूडेंट्स को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ मी यूज रेड मार्कर एवरेज का फॉर्मूला होता है सम इसका मतलब होता है सम ऑफ वेट ऑफ बॉयज ठीक है सम ऑफ बॉयज आप आप इस तरीके से कर सकते हैं यू कैन टेक नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स को आप एक्स एंड वाई भी ले सकते हैं ठीक है इट विल बी एज योर विश ओके नंबर ऑफ गर्ल्स ट्वेंटी फाइव कह रहे हैं सो सम ऑफ बॉयज ठीक है सम ऑफ बॉयज कितने बॉयज हमें नहीं पता ठीक है तो सम ऑफ बॉयज प्लस सम ऑफ गर्ल्स ओके okay, अपॉन कितने हैं टोटल हंड्रेड है तो बॉयज प्लस गर्ल्स हंड्रेड है ठीक है मैं आप लिख लेता हूं यू शुड नो दैट बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हैं हमारे पास हंड्रेड है सो सम ऑफ बॉयज ठीक है प्लस सम ऑफ गर्ल्स विल गोइंग टू बी थर्टी ओके और यहां से आ जाएगा सम ऑफ बॉयज प्लस सम ऑफ गर्ल्स विल गोइंग टू बी थ्री थाउजेंड ठीक है ओके okay? तो जितने भी बॉयज हैं उनका वेट प्लस जितने भी गर्ल्स हैं उनका वेट विल गोइंग टू गिव यू थ्री थाउजेंड ओके ठीक है थ्री थाउजेंड के जी आ जाएगा अब आपसे आप क्या बोला है इफ द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स जो एवरेज वेट गर्ल्स का है वो कितना है ट्वेंटी फोर ठीक है तो एवरेज वेट गर्ल्स का इस तरीके से निकालते हैं हम लोग एवरेज वेट गर्ल्स का मतलब क्या होता है सम ऑफ गर्ल्स अब देखो बर दैट सी अब आप, आप चाहो तो बॉयज और गर्ल्स को एक्स और वाई लेकर भी कर सकते हैं ठीक है इट विल गोइंग टू बी ईजी फॉर यू मैं बी और जी लेकर कर रहा हूं ठीक है नंबर ऑफ बॉयज में बी लेता हूं ओके एज वी है बी प्लस जी इज इक्वल टू हंड्रेड सो बी यहां पर कितना क्या है नंबर ऑफ बॉयजी यहां पर क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स ठीक है ओके तो अब मुझे क्या दिया है मुझे दिया है एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स का मतलब क्या होगा सम ऑफ गर्ल्स सम ऑफ गर्ल्स अपॉन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर अपॉन जी गर्ल्स ठीक है आप जी ले सकते हैं ओके okay. आप उसको बॉयज़ के टर्म्स में भी ले सकते हैं एज अ विश लेकिन मैं बॉयज़ के टर्म गर्ल्स ओके सो नंबर ऑफ गर्ल्स सम ऑफ गर्ल्स अपॉन जी इज इक्वल टू क्योंकि हमें दिया है एवरेज कितना दिया है ट्वेंटी फोर सो इट वोइंग टू बी ट्वेंटी फोर सो सम्स यहाँ से कितना यहाँ से आ जाएगा सम ऑफ गर्ल्स विल बी नथिंग बट ट्वेंटी फोर जी ठीक है इसको मैं डब्बे में बंद कर दिया और इसी तरीके से आप समते हैं ठीक है बॉयज बॉयज विल बी हंड्रेड माइनस गर्ल्स ठीक है वो हम यहाँ पर लेंगे सो so, एवरेज uh, कितना दिया है बॉयज़ का थर्टी टू के जी तो समयज सम ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ बॉयज़ कितने ले लो आप b इज इक्वल टू हंड्रेड माइनस जी सो हंड्रेड माइनस गर्ल्स विल बी नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू थर्टी टू तो यहाँ से सम ऑफ बॉयज़ कितना जाएगा सम ऑफ बॉयज़ विल बी इज इक्वल टू थर्टी टू इंटू हंड्रेड माइनस जी ओके तो ये दो चीज़ें मैं हाईलाइट कर लेता हूँ आपको बस इन इन वैल्यूज़ को ठीक है तो सम ऑफ बॉयज़ आ गया कितना इतना और सम ऑफ गर्ल्स कितना आ गया ट्वेंटी फोर जी इन दोनों वैल्यूज को उठा के इसमें रख दो सम ऑफ बॉयज प्लस सम ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू थ्री थाउजेंड ठीक है सो सम ऑफ बॉयज कितना आया 32 थर्टी टू इन ब्रैकेट हंड्रेड माइनस जी ठीक है थर्टी टू इन ब्रैकेट हंड्रेड माइनस जी प्लस सम ऑफ गर्ल्स सम ऑफ गर्ल्स कितना है ट्वेंटी फोर जी ट्वेंटी फोर जी इज इक्वल टू थ्री थाउजेंड कितना दिया है थ्री थाउजेंड यस ज इक्वल टू थ्री थाउजेंड तो यहां से जी आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स जो आपको निकालना है ओके नाउ इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट तो ये हो जाएगा थ्री टू जीरो जीरो माइनस थर्टी टू जी प्लस ट्वेंटी फोर जी इज इक्वल टू थ्री थाउजेंड एंड इट विल गोइंग टू गिव ये, ये आ जाएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर एट जी एट जी विल बी इज इक्वल टू टू हंड्रेड ओके सो जी विल बी इज इक्वल टू हाउ मच ट्वेंटी फाइव ठीक है सो देअर नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स जी क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ गए ट्वेंटी फाइव वेरी सिंपल ओके